हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने वाले हैं एक ऐसी मिठाई जिसके मतलब जिसको बनाने के लिए हमें ना दूध, ना घी, ना मावा, ना गैस चाहिए। सिर्फ 5 मिनट में इंस्टेंट मिठाई बनके तैयार होगी, बिल्कुल मार्केट जैसी। पहले 1 कप पनीर ले लेंगे और 1/2 कप मिल्क पाउडर ले लेंगे। मिल्क पाउडर एकदम मावा के जैसा काम करता है। मावा, अगर आपको मावा के टेस्ट चाहिए तो उसके बदले आप अगर किसी चीज़ में मिल्क पाउडर डाल देते हो तो वो बिल्कुल मावा की टेस्ट आ जाती है। तो उसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, क्योंकि पनीर के मॉइस्ट से जो मिल्क पाउडर है वो मिक्स हो जाएगा। और उसमें थोड़ा सा हम 2 टेबलस्पून चीनी डाल देंगे पीसी हुई। हमें उसे एक डो के कंसिस्टेंसी में लेकर आना है और फिर हमें इस डो का आधा कर लेना है। वो हम उसका एक भाग साइड करके रख लेंगे और दूसरा जो आधा ऐसा बचा है उसमें से भी हम आधा कर लेंगे। मतलब हमें सिर्फ 1/4 डो है वही चाहिए। तो क्योंकि हमें स्टफिंग बनानी है तो हमें थोड़ा सा ही चाहिए स्टफिंग बनाने के लिए। ये जो छोटा सा है डो वो हमें स्टफिंग के लिए चाहिए। तो उसे बांधने के लिए हमें उसमें 1 टेबलस्पून नारियल का बुरादा डालना है। और मैं थोड़ा सा यहाँ पे फूड कलर ले रही हूँ, जैसे कि हम स्टफिंग करेंगे तो कलर अलग दिखेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। मतलब आउटर कलर वाइट और अंदर का कलर येलो, आप येलो के बदले रेड, पिंक, ग्रीन जो भी चाहिए वो आप डाल सकते हो। और उसे अच्छे ऐसे हाथ से प्लेन कर लेना है। ये थोड़ा सा चिपचिपा लगेगा, आपको ज़्यादा चिपचिपा लगे तो हाथ पे ज़रा सा तेल लगा लीजिएगा, फिर चिपचिपा नहीं लगेगा। फिर इसमें से 6 हमें लोइयां छोटी छोटी सी ऐसे बना लेनी है गोले, क्योंकि हमें स्टफिंग बनानी है। तो ऐसे कर लेंगे और उसे हाथ से मसल कर प्लेन कर लेंगे, फुल राउंड शेप में कर लेंगे। ऐसे आसानी होगी स्टफिंग करने में। फिर ये जो वाइट वाला ऐसा हमने अलग करके रखा था ना, उसे भी हम 6 हिस्सों में, और ये जो है थोड़ा सा बड़ा ले लेंगे डो। इसे अच्छे से हाथ पे ऐसे राउंड शेप में कर लेंगे, जैसे हमने लोइयां बनाई है ना, मतलब अंदर की जो स्टफिंग, वैसे ही हमें ये भी बना लेना है। हाथ पे थोड़ा सा तेल लगा कर वाइट वाला जो डो है वो ऐसे हाथ में रख कर उसे थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे, जैसे कि वो राउंड शेप में आ जाए। और फिर ये स्टफिंग बीच में रख कर ऐसे बंद कर लेंगे, जैसे हम कोई पराठा बनाते हैं, चपाती लेते हैं और अंदर बीच में स्टफिंग रख के ऐसे बंद कर देते हैं, सेम वैसे ही हमें यहाँ पे करना है। और ऐसे सब मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। देखिए, ये दिखने में जितनी सिंपल और इजी लग रही है उतनी ही खाने में टेस्टी लगती है। और देखिए, यहाँ हाथ से हमें सिलेंडर शेप में लेकर आना है। बस किसी बोर्ड पे रख के हम उसे हाथ से ऐसे कर लेंगे, थोड़ा सा प्रेस घुमाते हुए, तो वो सिलेंडर शेप में आ जाएगा। ये बिल्कुल मार्केट के स्टाइल जैसा ही लगता है, जैसे मार्केट में मिलता है ऐसे मावा रोल, ये बिल्कुल वैसा ही है। और टेस्ट भी बिल्कुल मावे के जैसा आता है, कोई भी नहीं बोलेगा कि आपने ये घर पे बनाया है। और फिर हम ऊपर से सिल्वर वर्क लगा लेंगे थोड़ा सा मार्केट का जैसा दिखने के लिए। तो देखिए, हमारे जो 6 सिलेंडर्स हैं वो बनके तैयार है। ऊपर से आप केसर, ड्राई फ्रूट या कुछ भी सजाने के लिए लगा सकते हो। ये फ्रेंड्स, मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ, बाहर से वाइट और अंदर से येलो, बिल्कुल मार्केट में जैसे मिलता है ना मावा रोल, वैसा ही लग रहा है। तो बिना गैस जलाए हमने सिर्फ 5 मिनट में बनाकर इसको तैयार किया है। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया करो। थैंक यू।